पेरिस पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले कुछ खिलाड़ी आज स्वदेश वापस लौटे। एयरपोर्ट पर इन खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। इन खिलाड़ियों ने भविष्य में ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। यह नजारा है दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां ढोल नगाड़ों और बैनर्स के साथ इंतजार किया जा रहा है पेरिस पैरालंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का। पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ी अपने इवेंट्स खत्म होने के बाद शनिवार सुबह देश वापस लौटे तो उनके परिवारजनों और उनके समर्थकों ने उनका स्वागत फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ किया। पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल के दो छोटे बच्चे भी बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार करते नजर आए। मोना के परिवार के लोग बेहद खुश हैं कि मोना की मेहनत और उनका त्याग अब पदक के रूप में सामने है। 9 महीने के बाद मिलेगी इन बच्चों से, तो हार्दिक खुशी हो रही है। बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही है कि आज हम अपनी मम्मी से मिलेंगे, वरना वीडियो कॉलिंग में बातें करती रहती है बच्चों से, बहुत तड़पती है बच्चों के लिए। लेकिन वो जीत के आई है तो वो गम भूल गई, वो भूल जाना पड़ता है। और मुझे बहुत प्राउड है कि आज मेरी सिस्टर ने पूरे इंडिया का नाम पूरा रोशन करके आई है। मैं बहुत ऐसे ही महसूस नहीं कर पा रही, उसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्रेज हो रही है। मुझे इन पर बड़ा फख्र है कि इस कंडीशन में होते हुए उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। हम दो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक माँ का कितना प्यार होता है कोई भी समझ सकता है। उन बच्चों को छोड़ करके और फिर वो प्रैक्टिस करती है और आज एक लंबे समय बाद वो अपने बच्चों को मिलेंगी, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत भावुक पल है। देश वापसी के बाद मोना भी बेहद भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि ये पदक उन्होंने अपने बच्चों के लिए जीता है। बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए ये मेडल जीत पाई। इन्हें छोड़कर गई थी, बहुत दुख रहा, लेकिन मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और इनका विश्वास था कि इनकी मम्मा मेडल जीतेगी और मैं जीत सकी। मेरे परिवार का समर्थन मेरे पास वहाँ पे भी था, उनकी ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से मैं मेडल जीत पाई और वो लोग सब मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ आए, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ये मेरे लिए एक सरप्राइज था। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार और सरिता भी भारत के पेरिस पैरालंपिक में प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार के समर्थन के चलते आने वाले पैरालंपिक खेलों में भी पदकों की संख्या और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। जी, मैं अपने देश के 140 करोड़ लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम यहां तक पहुंचे। सरकार की सपोर्ट हमें मिल रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन की सपोर्ट मिल रही है और हमारे देश में खेल का स्तर बढ़ रहा है। आगे आने वाले आपको पैरालंपिक में देखेंगे, आप और ज्यादा मेडल आएंगे। सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बहुत सारे मेडल आए अब की बार और आगे भी अच्छा करेंगे। मैम बहुत अच्छा लगा सबका, मतलब सबका स्वागत करते हुए, सब मेडल का वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैम पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा 84 सदस्यों का दल भेजा था और सबसे बड़ा दल भेजते वक्त यही उम्मीद थी कि ये भारतीय खिलाड़ी पैरालंपिक खेलों में नया इतिहास रचेंगे और भारत के इन पैरालंपियंस ने वही कर दिखाया है। पेरिस पैरालंपिक भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। इन खेलों में भारत ने पैरालंपिक खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यही उम्मीद है कि भारतीय पैरालंपियंस की सफलता का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और पैरालंपिक खेलों के हर नए संस्करण में वे सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।